मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं प्रदेश की दिन भर की कुछ बड़ी अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। यह सभी बड़ी अपडेट्स आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, तो देखिए सबसे बड़ी अपडेट दैनिक उपयोग में काम आने वाली माचिस की डिब्बी की कीमत बढ़ने जा रही है। इस साल 1 दिसंबर से माचिस की डिब्बी की कीमत मौजूदा 1 रुपए से बढ़कर 2 रुपए हो जाएगी। इसकी वजह निर्माण लागत बढ़ने और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होना बताया जा रहा है। हालांकि उपभोक्ताओं को 2 रुपए में मिलने वाली माचिस की डिब्बी में 36 की जगह 50 तिल्लियां होगी। नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सचिव वीएस सेतुरीतन ने कहा है कि प्रस्तावित मूल्य वृद्धि 14 साल के अंतराल के बाद होने जा रही है, यानी कि 1 दिसंबर के बाद माचिस अब 1 रुपए की जगह 2 रुपए में मिलेगी। 14 साल बाद माचिस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश की दूसरी बड़ी अपडेट, राजस्थान में एक बार फिर इंटरनेट सेवाएं बंद रह सकती है। दरअसल पिछले महीने 26 तारीख को रीट परीक्षा को लेकर नेट बंदी की गई, उसके बाद इसी महीने 23 और 24 तारीख में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर इंटरनेट को बंद किया गया और अब इसी सप्ताह राजस्थान में RAS प्री परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। करीब 1000 पोस्ट के लिए 6 लाख से ज्यादा आवेदन इस परीक्षा में आए हैं। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से नेट लॉक करने को लेकर सरकार ने प्लानिंग शुरू कर दी है। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट सुन लीजिए। बेमौसम की बारिश का असर अब खत्म हो चुका है। पिछले दिनों कई जिलों में तेज बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है और आने वाले 10 दिनों तक फिलहाल राजस्थान में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी आ जाएगी। ऐसे में रात में सर्दी का असर अब आने वाले दिनों में लगातार बढ़ने वाला है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के सर्राफा बाजारों में आज 25 अक्टूबर को सोने और चांदी की कीमतों में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। राजस्थान के जयपुर सर्राफा में 24 कैरेट सोना 48,180 रुपए और 22 कैरेट सोना 45,890 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। वहीं 1 किलो चांदी 69,900 रुपए की कीमत पर बिक रही है। हालांकि कुछ वेबसाइटों पर आज सोने के भाव में बढ़ोतरी दिखाई गई है, लेकिन आपको बता दें इन वेबसाइटों पर इसलिए भाव बढ़ाया जाता है ताकि व्यापारियों को फायदा हो सके। गांव और शहरों में भी सोने के भाव अलग अलग है, क्योंकि गांव में व्यापारी न तो सोने को हॉलमार्क लगाकर बेचते हैं और न ही पक्का बिल देते हैं। तो यही थी दिन भर की आज कुछ खास अपडेट। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन के निशान को दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।